बीच पे नहीं पूछेंगे सर, जंगल में पूछ लेंगे। अच्छा बताओ लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? Rho GH. अच्छा ये भी पता है, इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर होता है, ठीक है? यस सर, यस सर। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? फ्लूइड्स के लिए। किसके लिए? फ्लूइड्स के लिए, है ना? सेप चाहे वो एयर हो प्लस लिक्विड हो, सभी के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा? वैलिड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, एक हम डिवाइस होता है बैरोमीटर। क्या होता है बैरोमीटर? ये डिवाइस होता है यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके लिए यूज होता है? यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है ये समझो, एक वेसल होता है, एक क्या होता है? नॉर्मल वेसल होता है, ठीक है? इसमें हम फिल करते हैं मर्क्यूरी। क्या फिल करते हैं? मर्क्यूरी। सर डिवाइस का नेम क्या है? अबे एक कुछ भी डिवाइस, मतलब यार कुछ भी, एक वेसल, ठीक है, बाल्टी समझ लो, ठीक है? उसके अंदर हमने क्या कर दिया? मर्क्यूरी फिल कर दिया, ठीक है? उसके अंदर बेटा एक टेस्ट ट्यूब रख दिया। क्या रख दिया हमने? टेस्ट ट्यूब। अराउंड 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। कितना मीटर लॉन्ग होना चाहिए? 1 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग तो अच्छा, इसके अंदर मर्क्यूरी फिल हो गया नहीं हुआ? सर हो गया। यस सर, हो गया। हाँ तो पूरा फिल हो जाएगा, सब एयर निकल जाएगी, मर्क्यूरी फिल हो गया, ठीक है? अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर दिया? स्ट्रेट कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रेट कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रेट कर दिया, ठीक है? तो मैं अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम, है ना? हमने इसको क्या कर दिया? स्ट्रेट ऐसा रख दिया, क्लियर? अब स्ट्रेट रखने से क्या हुआ कि इसका कुछ वाटर लेवल डाउन हो गया। इसका वाटर लेवल क्या हो गया? जो मर्क्यूरी का लेवल था वो क्या हो गया? डाउन हो गया, ठीक है? और डाउन होके मतलब यहां तक आ गया, क्लियर? इस लेवल तक आ गया, ठीक है? यदि हम इसको टिल्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? टिल्ट कर दिया ऐसा, ठीक है? तो भी इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आता है। इसके लेवल क्या होता है? लेवल में कोई चेंज सर ऐसा क्यों नहीं आता है, बताएंगे ना, ठीक है? अब देखो, इक्वल हाइट पर प्रेशर इक्वल होता है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर इक्वल रहेगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे कौन सा प्रेशर है? मर्क्यूरी का प्रेशर है। और यहाँ पर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है? यस सर। और ये जो प्रैक्टिकली हाइट मिलती है, ये मिलती है 76 सेंटीमीटर। कितनी मिलती है? 76 सेंटीमीटर। या लिख देते हैं इसको 760 सर, एचजी तक है ना सर, जहां तक है, जहां पर मर्क्यूरी, जहां तक मर्क्यूरी भरा हुआ है, क्लियर है? अब यहां पर देखो, दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, मतलब मैं लिख सकता हूं प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही प्रेशर किसका होगा? मर्क्यूरी कॉलम का। यस सर। अच्छा लिक्विड प्रेशर, इक्वल हाइट पर प्रेशर इक्वल होता है नहीं होता है? ओके सर। यस सर। तो P इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ रो जी एच। यस सर। रो कितना होता है मर्क्यूरी का? 13.6 SI में, ठीक है? जी कितना होता है? 9.8 हाइट कितनी मिली? 7 ठीक है, ये होता है आपका पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? ओके सर। सर इसको हमेशा एचजी से करवाते हैं डिराइव, ठीक है? आयरन से नहीं करवा सकते ना, इसलिए। सर एक और बार बता देना। देखो बेटा, जब हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को मर्क्यूरी में डाल दिया लिक्विड में, क्लियर है? मर्क्यूरी लिक्विड में डाल दिया तो पूरे का अंदर की एयर निकल गई और पूरा किससे भर गया? मर्क्यूरी से भर गया। कोई डाउट है उसमें? ठीक है,
अब हमने उसको क्या कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया। तो सीधा करने पे क्या आया, ऊपर एक गैप मिला और यहाँ पे क्या है वैक्यूम है, वहां पे क्या है वैक्यूम है, ठीक है, क्योंकि एयर तो आ नहीं सकती कहीं से, है ना। तो क्या मिलता है आपको, वैक्यूम मिलता है और इसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लेवल कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। सर आप एक बार पिछली स्लाइड से एक बार फिर से बता दीजिए। पिछली स्लाइड क्या थी, देख लो क्या है पिछली स्लाइड में, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है और बैरोमीटर वो डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं और ये आपका बैरोमीटर है, ठीक है। सर अगर टेस्ट ट्यूब स्ट्रेट कर दिया तो Hg तो उसमें से निकल जाएगी ना। क्यों निकल जाएगी ये बेटा, आपने कभी बाल्टी में मग डाल के आप उल्टा करो और उसको थोड़ा सा खींचो, उसमें क्या पानी निकल जाता है क्या? नो सर। प्रैक्टिकल करते हो नहीं करते, प्रेशर भी लगता है उसको ऊपर खींचने के लिए। हाँ बिल्कुल, कभी नोटिस किया, सर वो एकदम अटक सा जाता है। हाँ अटक सा जाता है, इसका मतलब है तुम नहाते हो, है ना। बहुत पहले नहाया था, बहुत पहले नहाया था, है ना। तो रोज नहाया करो, आपको नई नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है सर, रोज नहाती। तो अब देखो, यदि उसका वाटर लेवल आपने टिल्ट कर दिया तो भी उसके वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होता है, वो भी मिलता है 76। अब हमने देखा कि लिक्विड के अंदर इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर होता है, एक साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक साइड में लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वहां से मिलता है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है। अब बात आती है ये ऊपर होता है, ऊपर क्या होता है वैक्यूम होता है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किया था टोरिसेली, ये एक्सपेरिमेंट किया था टोरिसेली साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको बोलते हैं टोरिसेली वैक्यूम। क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने नाम पे रख लिया, है ना सर, नाम लिखवा दीजिए बस, स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या ये एक्सपेरिमेंट हम वाटर के साथ कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल yes, सर कर तो सकते हैं सर, लेकिन फिर वो एक्जेक्टली कर अलग हो जाएगी। देखो वाटर के साथ किया तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, मतलब उतना ही मिलेगा, मतलब जो HG के साथ मिला, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि हम HG से मेजर करें वही किसके इक्वल आएगा, वाटर पर डेंसिटी। सुन लो यार, किसके साथ, वाटर के केस में आएगा, फॉर्मूला भी क्या जाएगा, डिफरेंट लग जाएगा? नो नो सर, सेम फॉर्मूला लगेगा। जी से जी कैंसिल, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 13,600। हाइट कितना मिला था आपको, 0.76। वाटर की डेंसिटी 1000, तो हाइट ऑफ वाटर निकालो जल्दी से। कितना आया, सर सर कुछ अप्रोक्सीमेटली सर 1.0336 आ रहा है, ठीक है। 10.36। वाटर के साथ भी सुनो, वाटर के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन वाटर के केस में हाइट कितनी मिलेगी, 10.3 मतलब आपको कितनी लंबी ट्यूब लेना पड़ेगी, 10 मीटर। क्या 10 मीटर की ट्यूब लेके घूमना पॉसिबल है? नो सर, नहीं। हाँ तो ये एक्सपेरिमेंट हम ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, तो जो आपकी लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आयरन के साथ भी कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कैसे कर सकते हो, आयरन सॉलिड हो जाए, आयरन मतलब भारी होता है सर, कैसे कर फिर, तो आयरन तुम ही बोल रहे हो यस सर, आयरन के साथ नहीं होगा यार, लिक्विड के साथ करेंगे, मोल्टन आयरन सर, लिक्विड लिक्विड सारी प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, ठीक है सर, मोल्टन आयरन को ये पानी में डालेंगे। हाँ बहुत बढ़िया है ना। तो देखो बेटा, अब समझ में आया, अब मर्क्यूरी
यूज करने का पहला समझ में आया, पहला रीजन है उसकी डेंसिटी हाई है, उसकी क्या है डेंसिटी हाई, डेंसिटी हाई। दूसरा ये है कि उसका मान लो कश्मीर में चले गए तो वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, मर्करी नहीं होगा, ठीक है। लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट है ना। अच्छा, यदि गर्मी बढ़ गई तो वाटर की वेपर बनेगी, yes. तो यहाँ पे तो यहाँ ऊपर वेपर जमा हो जाएगी, तो ऊपर से एक वेपर प्रेशर भी लगने लगेगा, है ना, तो yes. उसका हाँ sir, तो इसलिए लेस वेपर मर्क्यूरी में क्या होगी, वेपर लेस बनेगी, ठीक है sir, हाँ sir, वेपर वाले अरे बेटा देखो वाटर नॉर्मल पे वेपराइज होता है, तो वेपर अब देखो कुछ वाटर यदि ऊपर हो गया तो लेवल में चेंज आएगा नहीं आएगा सर, आएगा सर, कम आएगा ना, थोड़ा सा लेवल में चेंज आएगा, तो क्या एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, उससे चेंज आएगा। वाटर क्या हो गया, मान लो गर्म हो गया तो बहुत सारा वाटर मान लो बॉइल होने लग गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन मर्क्यूरी इजीली बॉइल भी नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। फिर ये क्या होता है, जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लेवल देखने में थोड़ा सा गलती हो सकती है, लेकिन मर्क्यूरी कैसा होता है, ठीक है, शाइनिंग होता है, तो रीडिंग लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब समझ में आया मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, यस सर। तो मर्क्यूरी से भी हम कर वाटर से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको जो ट्यूब है वो कितनी लेनी पड़ेगी, हाइट भी तो एक होगा ना इसमें एडवांटेज, बोल दिया ना, बट डेंसिटी या हाइट, तो डेंसिटी से तो हाइट वेरी करेगी ना, एक ही चीज को कितनी बार घुमा घुमा के लिखोगे, ठीक है, या इसको लिख लो लेस हाइट रिक्वायर्ड, है ना। मीनिंग तो वही निकला ना, कोई समस्या है यहाँ तक, नो सर, नो सर। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, मान लो अज्यूम करो ये आपका सी लेवल है, ये क्या है सी लेवल है, सी लेवल से हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, एल्टीट्यूड बढ़ता होता है, यस सर, बढ़ता होता है, तो ये एल्टीट्यूड है ना। चलो एक मिनट थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना, ये मान लो आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका सी लेवल, ये क्या है आपका सी लेवल, ठीक है। एटमोस्फियर हमने बोल दिया कि यहाँ तक है एटमोस्फियर, है ना, एटमोस्फियर हमने बोल दिया, ये एटमोस्फियर है यहाँ तक, है ना, ये एटमोस्फियर है, क्लियर है, yes, sir. अब यदि यही एक्सपेरिमेंट हमने इस जगह किया, यहाँ पर किया, है ना, तो इस जगह इतना एयर आप इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, सर ज्यादा, सर ज्यादा, ज्यादा, ऊपर की पूरी है, यहाँ पे क्या होगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, तो कंक्लूजन क्या निकला, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ये है एट सी लेवल, ये कहाँ पे है, सी लेवल के लिए, सी लेवल पर है ना, क्योंकि हर जगह हाइट पे क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मिलती जाएगी, क्लियर है, खैर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन सी लेवल पर यही ये जो वैल्यू है ये परफेक्टली कहां के लिए बताई गई है, सी लेवल के लिए, क्लियर है। अच्छा अब देखो हम पे ये जो प्रेशर लग रहा है ये कम अमाउंट का है ज्यादा अमाउंट का है, सर ज्यादा, सर ज्यादा, सर तो फिर हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, ब्लड प्रेशर, क्योंकि उतना ही प्रेशर, उतना ही प्रेशर अंदर से अपन लोग लगाते हैं, उतना ही प्रेशर हमारे जो ब्लड के अंदर सेल्स है वो बाहर की तरफ लगा देते हैं, तो इसलिए हम क्या होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, क्लियर है। मतलब यदि हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई एक बॉटल है ना, इस पर जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है बाहर से, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेन साइड, ठीक है, बॉटल है अंदर की जो एयर है ना, तो दोनों प्रेशर क्या है, इक्वल है। अब यदि बॉटल की हवा निकाल दी आपने तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर दब जाएगा, तो बॉटल क्रश हो जाती है, नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। वैसे ही यदि आप क्या करो, एक जो पेन कैप है उसके अंदर की एयर निकालो तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है, तो आपकी टंग उससे चिपक जाती है हाई प्रेशर की वजह से। यस सर। देखा है कभी ऐसा प्रैक्टिकल? यस सर। यस सर। नहीं सर, तो बहुत किया है। हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है। देखो हर जगह प्रैक्टिकल है ना। प्रेशर जैसे अपन वो टंग चिपक जाती है कैसे? हाँ देखो, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो हर चीज खींचने की कोशिश करेगी। यस सर। तो जैसे आपका टंग लगाया, टंग को उसने खींच लिया, ठीक है। अब लेकिन ऐसा किया था सर, लेकिन हुआ ही नहीं सर, डाल के रखी मुंह में बहुत देर, हुआ ही नहीं था। ऐसा नहीं है, अंदर की तरफ होता है, अंदर की जबान टच कर ले उसको एक बार बस। हाँ अब देखो, हवन डालो किसके अंदर, निकलेगी नहीं सर। किसमें जीभ डाल? अबे एयर को सक करो उसके कैप की, और कैप में अंदर दूसरी गैप नहीं होना चाहिए। यस सर, तो चिपक जाती है। अब देखो जब तक उसके अंदर फिर हवा नहीं छोड़ते तो छोड़ती नहीं है। मतलब क्या यार, प्रैक्टिकल ही नहीं करते अपने डेली लाइफ में। इधर देखो, अब स्ट्रोक हमने क्या किया, ये सक किया एयर को, क्लियर है? तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर लगेगा तो लिक्विड क्या ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ, सर यही मैकेनिज्म। सर वो तो नीचे की तरफ जाएगा ना? नहीं सर, ये वाला प्रेशर लग रहा है ना, मुंह से चिपका है, ठीक है। आपने क्या किया, एयर को सक किया, एयर को सक किया तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और इधर प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसने दबाया लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो होने लग गया, क्लियर है? पता नहीं यार, सबने किया है ना, गिलास को मुंह भर के अंदर की पे रख के करें ना, यस सर, तो सर कुछ आता ही नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर की एयर आप नहीं सक मतलब दब जाती है। जैसे आप क्या है, पूरा का पूरा गिलास मुंह में भर के ना अंदर की एयर कर लो, पूरा जीवा पूरा है ना ग्लास चिपक जाएगा आपके मुंह से। यस सर, किया है ना। यस सर, बहुत बढ़िया है ना। अब देखो वैक्यूम क्लीनर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, एयर को सक किया, अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो बाहर की जो भी चीज थी उसने सबको खींच लिया, कर लिया। आ गई बात समझ में? अच्छा इधर देखो, जैसे ही अभी हमारी बॉडी का अंदर का और बाहर का प्रेशर क्या है, सेम, सेम है, ठीक है। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है और बाहर से प्रेशर है, दोनों क्या है, इक्वल है, क्लियर है? अब क्या हो गया, यदि आप फ्लाइट में ऊपर गए है ना तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, है ना, एट हाई एल्टीट्यूड होती है, एट हाई लेस प्रेशर, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर क्या है, रिलेटिव मोर, रिलेटिव मोर हो जाएगा। इसीलिए हमारे कानों में कई बार कुछ कुछ अजीब सा होता है जब भी आप फ्लाइट में जाते हो, ठीक है सर, सब पेट या फिर भी थोड़ा सा यदि कान बंद हो जाते हैं, हाँ कान बंद हो जाते हैं, है ना। यदि आप वहाँ पे जाओगे हाई माउंटेन वगैरह पे, तो कई बार वहाँ पर नाक वगैरह से खून आने लगता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करने की टेबलेट लेते हैं, कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर हाई रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वहाँ पर चिप्स करता है, अंदर का खून बाहर आता है, ठीक है। तो वहाँ का जो आपका चिप्स का पैकेट हो फूल जाता होगा, है ना। यस सर। तो रीजन समझ में आया, ठीक है, चिप्स का पैकेट क्यों फूल गया? अरे बाहर का प्रेशर कम हो गया ना, ऊपर गए तो अंदर की एयर ज्यादा प्रेशर, उसने दबा दिया, फुला दिया उसको पूरा। ओके सर, वैक्यूम क्लीनर का बता दो। अरे वैक्यूम क्लीनर, अरे यार भैया यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर लगा दिया ये स्ट्रॉ में, तो क्या होगा, उसने अंदर की एयर को सक कर लिया, Yes, sir. तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। Yes, sir. अंदर का प्रेशर कम हो गया तो क्या हुआ, लिक्विड जो है वो हाई, जो भी चीजें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, नहीं करती है? Yes. करती है, तो इसलिए सब चीजों को उसने अंदर खींच लिया, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अच्छा एक बार बताओ, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है पता है आपको, हाई माउंटेन हो जाते हो, क्यों होता है बताओ, हाई माउंटेन तो होता है सर, होता है सॉलिड आने में आसानी होगी, और वाटर वेपर ऊपर, केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था सर। अबे देखो हिमाचल प्रदेश में दाल कम पकती है, देखो इधर सुनो रीजन, ठीक है। ये मान लो आपका एक वेसल है,
ये आपका क्या है, वेसल है। कोई समस्या इसमें? No, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ी थोड़ी ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जिसको समस्या बाहर कर दूंगा मैं, ठीक है याद रखना नेक्स्ट टाइम। इसमें बेटा लिक्विड है ना, अब इस लिक्विड में ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है नहीं लग रहा है? यस सर। बेटा ये ओपन है ठीक है, ये जो वेसल है वो कैसा है, ओपन है, ओपन है ना। हाँ मैं मतलब खोल देता हूँ, ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर लगता है। सुनो सर हम समझ गए, अब क्या हो गया, इसको यदि अपन ने नीचे से हीट देना शुरू किया, इसको क्या किया, हीट सप्लाई हमने शुरू कर दिया ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यार सुन ले यार, ठीक है आता है तो क्लास से बाहर चले जाओ। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसने एनर्जी लिया है ना, एनर्जी लेके जाएगा बड़े इच्छा से ऊपर तक, लेकिन ऊपर और ज्यादा प्रेशर, पावरफुल प्रेशर है, तो बेचारा क्या होगा, दब जाएगा, नहीं जा पाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। दूसरा वाला जाएगा उसकी हेल्प के लिए, तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, बैठ जा चुपचाप, बिठा देगा उसको, है ना। ये इच्छा है, इसकी इच्छा है ऊपर उठने की, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, मार करके उसको बिठा देगा, बैठ जा चुपचाप। फिर ये आया, नहीं आया, ऐसे ये क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल, इनकी मेजोरिटी बढ़ाते जाते हैं, इनकी मेजोरिटी क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, है ना। जब जैसे ही इनकी मेजोरिटी बन गई और अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, सब बुलबुले फूटते हैं, ऐसे 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 होता है, जो लिक्विड लेवल क्या है, जो सरफेस है वो क्या है, ऐसे ऐसे उछलते रहते हैं, क्योंकि सब क्या हो जाते हैं, खुश हो गए, क्योंकि वो जीत जाते हैं, क्लियर है। अच्छा बॉइलिंग के बाद क्या होता है, कि बॉइलिंग के बाद उनको जितनी भी एनर्जी मिल रही है, जितनी भी एनर्जी मिल रही है, वो क्या कर रहे हैं, नाचने गाने खेलने कूदने में खत्म कर दे रहे हैं। कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, नाचने गाने मस्ती करने में, हाँ मस्ती करने में खत्म कर रहे हैं। पार्टी हो रही है, उसके बाद तो बॉइलिंग के बाद आप उसको कितनी भी एनर्जी दो, वो टेम्परेचर राइज नहीं करते हैं, वो टेम्परेचर राइज नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी वो कहाँ कर रहे हैं, इंजॉयमेंट में खत्म कर दे रहे हैं, क्लियर है। फिर से बता यार, फिर से वीडियो देख लेना, देखो बेटा क्या होता है, जब तक ये बॉइलिंग नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, अंदर का प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है। बिफोर टेम्परेचर क्या है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आप क्या दे रहे हो, हीट उसको दे रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब तक, लेकिन बॉइलिंग के बाद आप हीट सप्लाई दिया आपने उसको, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा घर पे किसी ने चाय बनाई होगी, तो क्या होता है, जैसे ही बॉइल करने लग गया हमारा चाय, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, नहीं करते हैं, ताकि निकल जाए, क्योंकि आप उसको यदि हीट और ज्यादा भी दोगे तो, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्लियर है। इसीलिए हम क्यों एनर्जी को वेस्ट करें, तो इसीलिए जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है हम, हाँ ठीक है, टेम्परेचर को क्या, सॉरी हीट सप्लाई को कम करते नहीं करते, है ना। हाँ आ गई बात समझ में। अब देखो अब क्या हो रहा है, कि जो बॉइलिंग कब होता है, जब प्री इनसाइड एट बॉइलिंग, बॉइलिंग कब होता है, जो अंदर का प्रेशर है पी इनसाइड, वो किसके इक्वल हो जाए, पीएटीएम एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाए। और ये कब होता है, हीटिंग वाटर के लिए कब होता है, ये काम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, कितने पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको नाचने कूदने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो 99 पे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। हाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि कम होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, जल्दी आ जाता है, जल्दी। समझ में आई बात, तो अब पहले खाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन रहा था, अब कितने पे, 97 पर पक रहा है, तो खाना जल्दी पकेगा लेट पकेगा, यस सर, जल्दी पकेगा, लेट पकेगा, बेवकूफ,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल्दी पकेगा 97 पर? 97 पे लेट पकेगा, लेट पकेगा, लेट पक 100 पे ज्यादा पकेगा ना, क्योंकि सर गर्मी वहां पे ज्यादा, गर्मी ज्यादा है तो सर जल्दी पकेगा। हां इससे तो अच्छा है 50 पे और जल्दी पक जाएगा, तो 10 पे और जल्दी पक जाएगा, तो खाना रखे रखे पक जाना चाहिए, फ्रिज में रख देते हैं ना, 100 डिग्री पे जल्दी पकेगा ज्यादा। हां ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो जो क्या होते हैं, माइंस होती है, तो माइंस का डीप इनसाइड होती है, ठीक है? यस सर। तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा इन माइंस, है ना? माइन माइन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बॉइल, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। अज्यूम करो वहां पे 102 पर खाना बग रहा है ना, बन रहा है, तो खाना जल्दी बनेगा लेट बनेगा? जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। अगली बात समझ में? ठीक है। अच्छा प्रेशर कुकर का नाम सुने हो? सर मैंने तो देखा भी। हाँ बहुत बढ़िया। अब जैसे इधर देखो सर, हाँ सर जैसे माइंस में तो सर डेप्थ में जाते हैं, तो सर फिर जी की वैल्यू कम होगी, तो सर कम होना चाहिए ना प्रेशर, तो ग्रेविटी कम हो जाएगी ना, फोर्स कम हो जाएगा। सुनो 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 बेटा, माइंस कितने किलोमीटर गहरी होती है? सर होती होगी 100 मीटर। तो 100 मीटर में बेटा कुछ चेंज अज्यूम कर सकते हो? हजार किलोमीटर समझ रहे हो कितना होता है, 1000 किलोमीटर खोदना होता है। अब इधर देखो बेटा, ये एक क्लोज्ड वो है वेसल, ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बॉइलिंग करना स्टार्ट किया, इसको क्या किया, बॉइल करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगी, वेपर बनती है। Yes, अब वेपर यहाँ पे जमा हो जाएगी, यहाँ पे वेपर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर से दो प्रेशर लगेंगे, एक लगेगा वेपर प्रेशर और दूसरा एटमॉस्फेरिक। हाँ तो प्रेशर कौन सा होगा, वेपर प्रेशर क्यों डालेगी, धीरे धीरे मान लो यहाँ पे जमा हो गए, दूसरी लेयर आएगी है ना, तीसरी लेयर की भी जगह है मान लो, हाँ पूरी भर जाएगी, तो वो क्या कहेंगे, अरे बैठो यार मत ऊपर उठो, बोलेगी नहीं बोलेगी? यस सर। अब मान लो कोई ऊपर आ रहा है, उसको बोलेगी रहने दो यार तुम नीचे रहो, ये दबा देंगे उसको कि हमारे पास जगह नहीं है, है ना? यस सर। क्या होगा, तो वेपर प्रेशर प्लस एक और कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग जल्दी होगा या लेट होगा? लेट होगा ना सर, लेट होगा, बॉइलिंग सर लेट होगा, लेट होगा सर, उससे खाली रख देंगे तो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख ही नहीं पाएगा। तो कब होगा, मोर देन 100 लेट, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो खाना आपका जल्दी बनेगा लेट बनेगा सर? कभी कभार बाकियों के साथ जल्दी लेट बनेगा, जल्दी पकेगा 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा ना, तो हां जल्दी बनेगा। हां तो इसीलिए तो हम वो राइस पकाने के लिए या दाल को बॉइल करने के लिए खाली रखते हैं, हम क्या करते हैं प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। जल्दी क्यों पकेगा ये बता दोगे? बेटा पहले कोई चीज है ना 100 डिग्री पे बन रही थी, कोई चीज 50 डिग्री पे बन रही है, तो खाना जल्दी किस पे बनेगा? 100 यार गर्ल्स को तो पता होना चाहिए यार, थोड़ा बहुत बेटा जल्दी जल्दी है ना, ज्यादा हीट दोगे जल्दी पकेगा, टेम्परेचर टाइम लगेगा है ना, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, आपने टेम्परेचर 100 सेट किया, एक में 100-200 सेट किया, तो खाना जल्दी किसमें बनेगा? आ गया सर, इसलिए हम खाना बना के ढक देते हैं उसको, ताकि वो और ज्यादा देर। दूसरी बात, जो भी बॉइलिंग का काम है ना, वो हम किस पे करते हैं, प्रेशर कुकर में करते हैं, है ना, ताकि क्या हो, है ना, कभी आप नोटिस करना प्रेशर कुकर जल्दी से खोल के उसके अंदर जो भी चीज है उसको हाथ लगाना, वो नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रही है, ठीक है? तो हाथ भी जलवाना चाहते हो? हाँ, अबे नहीं, प्रैक्टिकल सीखने के लिए क्या मतलब, कुछ नहीं कर सकते क्या? उसमें जो स्टीम भी निकलती है वो भी बहुत तेज, बहुत ज्यादा गर्म होती है, के लिए हमें अपने हाथ जलाना पड़ेगा, हाथ ही नहीं डाल पाएंगे सर, स्टीम भी बहुत गर्म हो जाती है सर। जैसे हमने माइक्रोवेव 100 और 200 पे सेट किया, 200 का खाना जल्दी बनेगा ऑब्वियसली, 200 का खाना जल्दी चलेगा, हाँ बनेगा भी जल्दी और
तुम ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा जल्दी। आ गई बात समझ, प्रेशर कुकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हाँ बोलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अब इवापोरेशन भी होता है, इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो उसमें तो कुछ पार्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, कैसे? हाँ, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे बॉइलिंग नहीं होता है, वहां पे क्या होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो बॉइलिंग होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल नहीं निकलते, पूरी की पूरी लेयर हिलने लगती है, ठीक है। अब लेयर हिलने लगी तो क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट हो गया ना। यस सर। अब पूरा अमाउंट हो गया तो वो थोड़े पार्टिकल को निकलने देता है, ज्यादा पार्टिकल को नहीं निकलने देता, ठीक है। और इवेपोरेशन आपको केमिस्ट्री वाले से ज्यादा अच्छे से बताएंगे, ठीक है, बता रखे उन्होंने काफी अच्छे से, बता दिया, बता रखा है सर पूरा, बता रखा है। फिर काहे पूछते हो यार, मेरे को नहीं आता फिर भी, तो बताया था उनने भी ये बॉइलिंग का सेम कॉन्सेप्ट। यस सर, दाल वाल सब यही सेम बताया था सर, प्रेशर कुकर वाला समझाए, इससे ज्यादा एनर्जी आती है, तो बेटा मना कर देते ना, काहे टाइम वेस्ट करवाया कि सर ने बता दिया है। मैंने आपसे बोली थी इसमें जो लिक्विड फिल किया उसका डेंसिटी था रो, डेंसिटी कितना था रो। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसमें हमने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रख दिया है ना। इस ऑब्जेक्ट की हाइट थी h, हाइट कितना था h, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो था a, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था a, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो, टॉप वाला एरिया है ना। यस सर। यस सर। अब ये जो इसकी जो हाइट थी, इसकी एक लेवलिंग कर देते हैं, मान लो ये वाली हाइट है ना, ये लेवल बना लिया, एक अपर एक बॉटम, ये जो अपर वाला हाइट है ये है आपका h1, ये कितनी हाइट नीचे है, h1 हाइट नीचे है, और जो बॉटम वाला है वो कितनी हाइट नीचे है, h2 हाइट नीचे, ठीक है, ये वाले हाइट h2। तो मुझे बताओ H2 माइनस H1 कितना होगा, H हो जाएगा सर, H हो जाएगा, कोई जादू नहीं हुआ है ना सर। यस सर। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं X, इस वाले नीचे वाले को बोल देते हैं Y, Y वन और टू जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, इसको हमने बोल दिया Px, और नीचे से भी प्रेशर लग रहा होगा उसको हमने बोल दिया py। अच्छा px की वैल्यू कितनी होगी सर, लेसर देन py। रोजी h1 होगी नहीं होगी, यस सर, ऊपर h1 है। अच्छा py की वैल्यू कितनी होगी सर, रोजी h2, रोजी h प्लस एटमॉस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों में ऐड कर दो उसका, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, कोई चेंज फील नहीं होता है ना, क्योंकि दोनों जगह होता है, लिखना है लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बार बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा है क्योंकि डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, या आप देख सकते हैं एच टू ज्यादा है ना, मैं लिख सकता हूँ एच टू इज ग्रेटर देन एच वन, तो प्रेशर ज्यादा होगा, कोई समस्या यहाँ तक? प्रेशर लग रहा है तो फोर्स भी लग रहा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इनटू एरिया होता है यार, मत कंफ्यूज हुआ करो, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने प्रेशर पूछा, पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मैंने बोला प्रेशर अपॉन एरिया, हाँ सर, यार पता होना चाहिए क्या होता है, कंफ्यूज मत हुआ करो। अच्छा तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है, मैं बोल देता हूँ एफ एक्स, तो उसको मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इंटू ए,
ऊपर वाले, हाँ ऊपर, ऊपर से एक नीचे से प्रेशर लग रहा होगा एफ वाई, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा वैल्यू पुट कर दो, तो जो एफ एक्स है वो कितना आ जाएगा, रो जी है ना एच वन ए, और ऐसे ही एफ वाई कितना हो जाएगा, अच्छा बड़ा कौन सा होगा, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे से एक फोर्स लग रहा है एफ वाई, ऊपर से लग रहा है एफ एक्स, दो फोर्स लग रहे हैं, तो एक नेट फोर्स लगेगा, किस साइड होगा सर, ये क्योंकि एफ वाई बड़ा है, अच्छा तो नेट फोर्स इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, एच टू माइनस एच वन क्या बताए थे हम, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, इसी फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, आ गई बात सुन में, ये बॉयंट फोर्स का प्रूफ है, क्लियर है, नेट फोर्स के बाद बताते सर इसको, बायंट फोर्स है, हाँ देखो बायंसी नेट फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा नेट फोर्स है, तो वैल्यू पुट कर दो, अपर प्रेशर सॉरी बॉटम प्रेशर माइनस अपर प्रेशर, कॉमन क्या ले लिया हमने, तो बचा क्या एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन कितना होता है एच, एच तो रो जी एच लिख दिया, तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो रो जी वी हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर, इसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स, क्या बोलते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक है, अच्छा ये हमेशा किस साइड लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट का अपोजिट, हाँ अपथ्रस्ट, थ्रस्ट का अपोजिट, अपोजिट कहाँ से हो गया यार, ठीक है परपेंडिकुलर है ये भी, तो इसलिए बॉयंट फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट, अब समझ में आया डेरिवेशन, यस यस सर, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आ गई बात समझ में, ये एग्जाम लेकिन सर, सर लेकिन सिकल में तो पूछा जाएगा ना, नहीं पूछेंगे, ठीक है, पॉइंट फोर्स का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली इसके पेपर में भी नहीं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर है, अच्छा अभी अपन और बात करते हैं, ठीक है, क्या हो गया सर, आप इसकी पीपीटी भेजोगे कि नोट नहीं करना, देखो अचानक नेट चला गया, अचानक लैपटॉप बंद हो गया, तो उसकी गारंटी है क्या, नहीं सर नहीं, तो नोट करते चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, यस सर हम तो लेते चल रहे हैं, हाँ तो शेयर कर दिया करो किसी से, ठीक है जिसको चाहिए, अब एक बार बताओ, अच्छा बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रो जी वी, रो जी वी, रो जी वी, अच्छा रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी किसकी डेंसिटी, लिक्विड, अच्छा लिक्विड की डेंसिटी, तो किसकी डेंसिटी डिपेंड करता है, ठीक है, अच्छा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसका 9.8 न्यूटन डिपेंड, जी तो सबका सेम ही होता है यार, 9.81 लिक्विड का और ऑब्जेक्ट का दोनों का सेम ही होगा ना, कि नहीं अलग अलग होगा, सेम होगा, पूरे जी यूनिवर्स में सेम होता है, अभी यूनिवर्स वाला नहीं है, यूनिवर्स तो सर वो कैपिटल वाला, कैपिटल
अच्छा ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा एरिया इनटू हाइट आया था, ध्यान रखो क्या मिला था आपको, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट इसका वॉल्यूम मिला। हाँ ब्लॉक, ठीक है ब्लॉक, कंटेनर तो ये बड़ा वाला हो जाएगा ना, इस ब्लॉक बोलेंगे इसको, ठीक है ये इसके अंदर वाला। तो हाँ तो इसीलिए, हाँ तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, एक नया टर्म यूज करते हैं, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अच्छा उसके अंदर डालेंगे तो जो लिक्विड निकलेगा, तो उसके अंदर डाला है उसको, जितना लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट ने हटाया उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आई बात समझ में? मतलब इस ब्लॉक ने, इस ब्लॉक ने कितना वॉल्यूम हटाया, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, ये आर्किमिडीज ने प्रूव किया था। पर ये आप एक बार और समझा दीजिए, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बेटा एक मिनट, प्रूफ हो जाएगा, नॉट टोटल वॉल्यूम है, नॉट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, नॉट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। आई बात समझ में? ये कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर है जी सर? याद रखना, ठीक है। अच्छा बॉयंट फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन ही होगी, न्यूटन फोर्स है तो न्यूटन। कोई सोच रहे होंगे पता नहीं यार निकालते हैं, कोई सा भी फोर्स हो यूनिट हमेशा न्यूटन रहेगी। आई बात समझ में यहाँ तक? वॉल्यूम वाला दोबारा से बता, एक मिनट अभी एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल तो क्या करेंगे, अज्यूम करना, ठीक है। ये एक हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, क्लियर है। अच्छा बॉयंट फोर्स यदि कोई पूछता है तो कितना होता है, तो बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या होता है बॉयंट फोर्स? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड सर। तो जो लिक्विड होगा उसके आसपास जो बचा कुछ वॉल्यूम होगा वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा ना? डिस्प्लेस मतलब जिस इस लिक्विड ने, इस ऑब्जेक्ट ने कितना वॉल्यूम को हटाया खुद को, अपने आप को यहाँ पे रखने के लिए। एक भरी बाल्टी के अंदर एक साबुन रखो तो थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है, वो पानी का वॉल्यूम कितना होगा, वो सोप के वॉल्यूम के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में अपने आप को सेटल करने के लिए जितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस वॉल्यूम। क्लियर है? ओके सर। अब देखो यानी कितने जगह घेरी है। हाँ बिल्कुल, देखो रो जी वी कितना होता है, रो जी वी, वो देखो वो प्रेशर कितना होता है, रोजी एच होता है, ये रोजी वी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है याद रखना। अच्छा ये जी और, अच्छा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ थोड़ा सा, जी रो वी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। क्या बोल सकता हूँ मैं? मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। मास है और मास इनटू जी क्या बन जाता है? फोर्स, वेट, फोर्स, तो वेट क्या बन जाता है? वेट बन जाता है, तो इसीलिए इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। अब समझ में आया क्यों बोलते हैं इसको? जी सर। ये किसके इक्वल होता है? अरे यार रो जी वी होता है, वी इनटू जी क्या होता है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास, और मास इनटू जी क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वही तो लिखा है जी सर, ये मिलके बनाया इन्होंने मास, प्रूफ भी हो गया, मास इनटू जी क्या वेट, ठीक है। तो कोई भी यदि पूछता है बॉयंट फोर्स कितना होता है, तो बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, कितना होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, लिक्विड। अब ये पता है ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा टफ चैप्टर है, ठीक है पूरे नाइन्थ का, ठीक है।
और ये आपको स्कूल वगैरह कभी पढ़ाया भी नहीं जाता ये वाली सब चीज, ठीक है, कोई भी स्कूल हो, ठीक है, मतलब ये आप लोग हाई लेवल की पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। बाकी आप नाइन्थ तो क्लास नाइन्थ में आप सर्च करो बॉय एंड फोर्स, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप क्लास नाइन्थ में बॉय का पार्टी नहीं है ये है, लेकिन अब है ना आईएसओ वगैरह में भी आएगा थोड़ा, है ना, स्पेशली अपन ने उसको, हाँ एनसीईआरटी में सब नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको अपन एक और तरीके से समझते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि बॉयंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होता है, कितना होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अभी हमने क्या किया, इस पूरे लिक्विड में एक लिक्विड फिल कर दिया, कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सर आपके होते हुए कोई दिक्कत थोड़ी, ये हमने इसको भर दिया और यहाँ पे हमने क्या बना दिया है छोटा सा पाइप निकल, ताकि जो भी लिक्विड ढुलेगा वो अपन क्या करेंगे दूसरे वेसल में आ गई बात सुन में, ठीक है। yes, एक ब्लॉक को हम धीरे धीरे डुबाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे डुबाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा जो लिक्विड है वो इधर कलेक्ट होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, जैसे जैसे हम इसको अंदर डालते जाएंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसको अंदर डालते जाएंगे, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और जब वो पूरा आ जाएगा लेवल बढ़ेगा, है ना, तो धीरे धीरे ये अंदर जाता जाएगा, ब्लॉक जो है अंदर जाता जाएगा, तो लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा बढ़ेगा तो क्या होगा वेट बढ़ेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं बढ़ेगा। आगे बात सुनने, तो धीरे धीरे यदि हम ऑब्जेक्ट को अंदर लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जाएगा मतलब धीरे धीरे इस ब्लॉक पर लगने वाला जो पॉइंट फोर्स है वो भी क्या होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, इसका अपन ने वेट ले लिया 10 न्यूटन, कितना ले लिया 10 न्यूटन, है ना। अब यदि हमने इसको इतना डुबाया, मान लो हमने किसी ब्लॉक को इतना डुबाया कोई भी एक्स डिस्टेंस तक, ठीक है, और इसके डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो गया 10 न्यूटन, कितना हो गया 10 न्यूटन, तो बॉयंट फोर्स भी 10 न्यूटन हो गया, तो बॉयंट फोर्स भी 10 न्यूटन होगा, तो क्या इससे अंदर जाएगा ब्लॉक, नहीं जाएगा। आ गई बस में, मतलब सर बॉयंट फोर्स नीचे से लगता है या ऊपर से, सर बोट भी इसी मैकेनिक्स पे काम करती है ना, क्या बेटा सर बॉयंट फोर्स नीचे से लगता है, नीचे से लगेगा ऊपर से निकलेगा, पागल इंसान ये क्या लिखा है, क्या बताया ये पूरा प्रूफ करके, क्या बताया हमने ये बताओ, नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ से लगेगा, तो अब यार सुनते नहीं हो तुम क्लास में, सोए रहते हो क्या, नीचे वाला पढ़ा फिर बोलते हो कि सर ऊपर से लगेगा, ऊपर से लगेगा तो कैसे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, जब दोनों फोर्स यदि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉयंट फोर्स दोनों क्या हो गए इक्वल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्लॉक, है ना, अपॉन नहीं है वो, ठीक है, इसके इक्वल हो गया बॉयंट फोर्स के, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्लोटिंग। ये क्या करने लगेगा, ये फ्लोट भी करने लगेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यदि ऐसा हुआ, एग्जांपल के लिए आप मानो कि ये पूरा का पूरा डूब गया, ये पूरा का पूरा डुबा दिया हमने, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम उसमें बढ़ जाएगा। अब एक बार बताओ, इसको मैं और अंदर लेके जाऊंगा तो क्या डिस्प्लेस वॉल्यूम चेंज होगा,
नो सर जितना उसने वॉल्यूम करा उतना ही होगा यदि हमने उसको पूरा डुबा दिया एक बार अब उसके बाद उसको अंदर कहीं भी लेके जाओगे अब नहीं क्या करोगे नहीं होगा कहीं भी लेके जाओगे तो बॉय चेंज होगा नहीं चेंज होगा इसका मतलब बॉयंट फोर्स भी चेंज नहीं होगा ठीक है भरी बाल्टी में भी पानी तब तक ही गिरेगा जब तक हम उसमें अंदर तक ना डालते अच्छा अब मान लो एग्जांपल के लिए इसका वेट था 10 न्यूटन कितना था 10 न्यूटन 10 न्यूटन अब पूरा डूबने के बाद भी बॉयंट फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम 8 न्यूटन ही हुई कितनी न्यूटन हुई 8 न्यूटन तो क्या बॉयंट फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर सकता है नो सर नहीं कर सकता मतलब उसका डूबना तय है आई बात समझ में यानी वो नीचे तक जाएगा एकदम बिल्कुल 100% अंदर तक जाएगा डूबेगा ठीक है सर आप ये बता सकते हैं सर कि जब हमने ये ब्लॉक को डुबा दिया सर फिर क्या होगा सर एक बार बता दीजिए देखो सुनो वापस से पूरी कहानी समझो धीरे धीरे हम एक ब्लॉक को डुबा रहे हैं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ब्लॉक को डुबा रहे हैं तो धीरे धीरे डिस्प्लेस लिक्विड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा डुबाओगे तो पानी ढूलेगा नहीं ढूलेगा सर धीरे धीरे क्या हो रहा है डिस्प्लेस लिक्विड बढ़ रहा है मतलब धीरे धीरे बॉयंट फोर्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है अब यदि यहां तक हुआ और उसका इसका वेट भी 10 न्यूटन था बॉयंट फोर्स भी इस हाइट तक कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया तो इससे अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा है ना और अज्यूम करो ये पूरा डूब गया ये क्या कर दिया पूरा हमने इसको डुबा दिया अब पूरा डूबने के बाद भी इसका बॉयंट फोर्स 8 न्यूटन ही रहा तो क्या 10 न्यूटन को रोक पाएगा नो सर नहीं रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा अब वो अंदर कहीं भी जाए क्या डिस्प्लेस वॉल्यूम में चेंज होगा नो सर डिस्प्लेस वॉल्यूम में चेंज होगा तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा मतलब हाँ जब तक पूरा नहीं डूब जाता बॉयंट फोर्स बढ़ेगा 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 और एक बार पूरा डूब गया उसके बाद बॉयंट फोर्स क्या हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट और वही क्या होगा मैक्सिमम हाँ वही क्या हो गया मैक्सिमम हो गया ठीक है उससे ज्यादा बढ़ने के कोई चांस नहीं है जैसे कि हम किसी बाल्टी में सर जब लोटा भी डालते सर वो भी अगर डूब जाए फिर ऊपर नहीं आता ग्राफ भी बन सकते हैं ठीक है बना सकते हो ऐसा ग्राफ कहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो बॉयंट फोर्स समझ में आया तो बॉयंट फोर्स क्या होता है अब देखो इधर दोनों में डिफरेंस समझना अभी ये मान लो इस सिचुएशन में है ठीक है तो जो इतना डूबा हुआ है ये जो पोर्शन है ये वाला इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड लिक्विड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये वाला कौन सा होगा क्योंकि हमने इतनी जगह ही तो घेरी इतना तो पानी हटाया उसने क्लियर है हाँ सर टोटल वॉल्यूम नहीं होगा क्लियर है लेकिन यदि पूरा डूब गया तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मतलब यदि पूरा डूब गया तो डिस्प्लेस वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ब्लॉक का सेम हो सकता है लेकिन हमेशा yes, हो जरूरी नहीं है समझे जैसे इसमें डिस्प्लेस वॉल्यूम ये वाला होगा इसमें डिस्प्लेस वॉल्यूम ये वाला होगा और पूरा डूब गया तो पूरा हो जाएगा वॉल्यूम है क्लियर है तो ध्यान रखना वी कौन सा होता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वी क्या होता है Displaced volume. जो आपका बॉयंट फोर्स होता है उसमें होता है रो पी जी है ना तो उसमें वी क्या होता है याद रखना क्या होता है ठीक है या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड ठीक है ये जरूरी नहीं है ठीक है ये जरूरी नहीं है कि ब्लॉक से हमेशा बराबर हो ठीक है तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड हमेशा कम होगा या बराबर होगा किसके वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक या ऑब्जेक्ट हाँ बराबर हो सकता है जब पूरा का पूरा क्या हो जाए इक्वल सबमर्ज्ड हो जाए उसके अंदर चला जाए ठीक है
इक्वल कब होगा सर जब वो पूरा डूब जाएगा सब पूरा डूब जाएगा तब पूरा ले लेगा ऑब्जेक्ट सिंक ठीक है क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा इक्वल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है नहीं है, है। ये बात का ध्यान रखना बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं बाद में दिक्कत देगी क्लियर है यस यस सर अब यदि कोई बोले फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स क्या बोले फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स पहला क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये रो किसका है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी तो पहला क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ेगा तो बॉयंट फोर्स बॉयंट फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा दूसरा है जी जी बढ़ेगा तो बॉयंट फोर्स बढ़ेगा तो पॉइंट फोर्स बढ़ेगा और फोर्थ है टेम्परेचर किसका टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड की डेंसिटी कम होती है तो बॉयंट फोर्स कम हो जाएगा आ गई बात समझ में यस सर तो ये फैक्टर्स हो गए वाला फैक्टर बता बेटा पोल पर जी ज्यादा होता है इक्वेटर पे पोल पर तो पोल पर पॉइंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी मिलेगी है ना जी यदि 9.8 है अब 9.99 है तो वैल्यू तो बढ़ी ना तो पॉइंट फोर्स बढ़ा नहीं बढ़ा बढ़ गया आराम से बढ़ेगा क्लियर है अच्छा चलो अब थोड़ा सा एक प्रेशर में एक चीज छूट गई है ठीक है वो पढ़ लेते बस एक मिनट ठीक है ये अपन इसमें खेल में लग गए थे तुम्हारे एटमॉस्फेरिक वाले है ना सर ऐसे पता भी नहीं चला सर क्या सर ऐसा लगता था बोट में कुछ खराबी है अब पता चला पॉइंट फोर्स की वजह से डूबती है वो ठीक है अब इधर देखो ये हटा देते हैं ये किसी काम का नहीं है ना ये तो पता है चलो इसी पे लिख देता हूँ मैं ठीक है अच्छा एक बार बताओ प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी है पास्कल है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर पहली होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दूसरी पास्कल तीसरी डाइन होता डायन नहीं होता वो डाइन एक होता है बार क्योंकि एक यूनिट होती है बार सारी लोग डायन समझ रहे हैं बार होता है बेटा 10^5 पास्कल को बोलते हैं वन बार कितना होता है 10^5 है पी एटमॉस्फेरिक कितना होता है वो 1.01 बार ठीक है और एक और यूनिट है टॉर सर वो एचजी मर्करी का भी तो होता है अबे यार सुनो सुन लो यार एक होता है टॉर क्या होता है बेटा टॉर अच्छा ये पता है आपको 760 mm ठीक है 760 mm एचजी का प्रेशर कितना होता है 1.1 तो 1 mm एचजी का प्रेशर कितना होगा इसको 760 डिवाइड कर 1.01 × 10^5 पास्कल डिवाइडेड बाय 760 और इसी को बोलते हैं टॉर आ गई बात सुना इसी को क्या बोलते हैं टॉर गाड़ी में भी तो इंजन में टॉर्क होता है टॉर्क होता है और टॉर नहीं होता टॉर्क हाँ और टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स बोलते हैं टॉर्क ठीक है सर आप एक बार टॉर्क बता दीजिएगा 1 mm एचजी प्रेशर
1 mm HG का जितना प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं टॉर्क। क्लियर है? Yes, तो ये प्रेशर की सब यूनिट है, ठीक है। अच्छा, एक मुझे पता नहीं यार कौन सा होता है बेटा, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो किसी भी प्लेस की वो बताता है, जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, तो मेट्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सी होती है? बार होती है। कौन सी होती है? बार। बार क्यों? जैसे आप किसी भी यदि सिटी के बारे में सर्च किया, जैसे आपने शिमला सर्च किया, तो शिमला के बारे में विकिपीडिया पे लिखा होता है ना एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, रेनफॉल कितना होता है, और वहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो वहां पे जो वैल्यू दी हुई होती है वो कौन सी यूनिट में दी हुई होती है? बार में। बार में दी हुई होती है। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल यूनिट यदि कोई पूछता है ना, तो कौन सी होती है? बार। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगली बार है ना बेटा होमवर्क नहीं भी हो तो प्लीज ये सब आज जो पढ़ाया ना, जो बॉइंट फोर्स का जो खेल है ना, ये थोड़ा सा समझ के आना। यस ओके सर। यस सर। ठीक है, डेरिवेशन एक बार